नो वल्गैरिटी, तो वो भी मैटर करता है बहुत। इसलिए अभी ये दिखने लग गए हैं आजकल फैमिली के साथ बैठ के, देख कि ये बिकता है तो इसलिए ये हमने बेचना है पिंजर, ऐसे नहीं कोई सीन आ जाए एकदम से ही कि सबको एम्बैरेसमेंट हो जाए। सारी न्यू मॉडल्स को काम दिया, आज की जो ऑडियंस है ना उनको चाहिए स्क्रिप्ट। फिर एक चीज चल जाती है तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ हीरे 2 तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भी काफी अच्छे अच्छे गाने खराब भी हो गए थे उस चीज की वजह से। This is Roshni और आज हमारे साथ है शेर और समीक्षा। Welcome to First India Filmy। थैंक Thank यू you सो so much। So firstly शेर, सब आपको तो सभी ने बहुत ही ज्यादा मिस किया होगा और इस तरह से दोबारा से एक ताबड़तोड़ मैं कह सकती हूँ कमबैक, वो भी समीक्षा के साथ। क्या कुछ है फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए, प्लीज हमें बताइए। आप शुरुआत करो। कमबैक नहीं है ये, ही वाज ऑलवेज देयर प्रोड्यूसिंग हिज ओन म्यूजिक, पर ये थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, ही डजंट लाइक टू कम आउट। मैं इनको पुल करके लेके आ रही हूँ कि यू हैव टू टॉक टू योर ऑडियंस, योर फैंस, तो इसलिए अभी ये दिखने लग गए हैं आजकल। जी शेयर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कहाँ आप क्यों इतना शाय फील कर रहे हैं आप? नहीं, शाय शायनेस नहीं जी, एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़े अपने संगीत में ही इन्वॉल्व ज्यादा रहता हूँ, एंड टू मी आई थिंक आई फील दैट माय म्यूजिक शुड टॉक मोर देन हाँ, मी इट्स टॉकिंग। इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, सम पीपल लाइक टू बी देयर, शो व्हाट दे आर डूइंग, सम पीपल जस्ट वांट टू क्रिएट एंड इन देयर सिक्लूजन इन देयर स्पेस। या सो आई थिंक, बट या टुगेदर एज यू राइटली सेड दैट टुगेदर द शीज हैज बीन अ रियली गुड सपोर्ट, and she is kind of pushing me that look, now you have to be seen with me because now I'm going to be alone, so you have to be there with me, and okay I'm there and here we are। लवली, तो इस वक्त आप एक प्रोडक्शन हाउस लेकर आ रहे हैं और सारे ही ऑडियंस के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए? सो वी हैव जस्ट डन प्रोडक्शन ऑफ आवर फर्स्ट फिल्म, और इससे पहले दिस वाज कॉल्ड लकी स्टार एंटरटेनमेंट। तो शेल्स फादर, दैट वाज शेल्स फादर्स बेबी एक्चुअली, तो शेल वाज वेरी यंग दैट टाइम, तो उन्होंने बहुत ही मीनिंगफुल सिनेमा बनाया था उस टाइम, जैसे पिंजर, इट वाज क्रिटिकली एक्लेम। सो वी वांट टू गो ऑन द सेम लाइंस, प्रोड्यूस समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुल अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, होप, एज वी डिस्कस इन अदर इंटरव्यूज आल्सो। तो हम प्यारा सा अच्छी सी फिल्में बनाना चाहते हैं, वेब सीरीज बनाना चाहते हैं जो लोग फैमिली के साथ बैठ के देखें, जैसे जी तो शैल के जी गाने होते हैं। बिल्कुल, और उन गानों को आज भी उतना ही प्यार दिया जाता है। आई वुड से वी लाइक टू नो कि ये जो प्रोडक्शन हाउस के जरिए आप इस तरह का कंटेंट लाना चाहते हैं जिसमें प्यार दिखाई जाए। इनफैक्ट मैंने एक सेंटेंस भी पढ़ा, एक कोट, जिसमें इट वाज सेड कि यू गाइस डोंट वांट टू कम अप विद वल्गैरिटी और न्यूडिटी, इस तरह के कंटेंट आपके प्रोडक्शन हाउस में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? डू यू थिंक दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटेंट? आई थिंक इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्टोरीज, आप उसको बिना वो दिखाए भी अच्छा शोकेस कर सकते हैं ऑडियंस के सामने। और मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज बहुत सारी मैं भी मूवीज देखता हूँ जिसमें हल्का सा एक कुछ लैंग्वेज लिटिल बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, इट्स पार्ट ऑफ वॉट इट्स नीडेड फॉर द स्क्रिप्ट, Yeah, तो वहां if करना it's पड़ता है। part of the script, then it's okay, but not to titillate audience to get extra viewership. There should not be a commercial angle to it कि ये बिकता है तो इसलिए ये हमने बेचना है। या तो लेकिन वो एक सच्ची एक इंडिविजुअल चॉइस है, एंड सो मैं वही मैंने हम जब आपस में बात कर रहे थे कि हम जो भी मूवीज प्लान करेंगे फ्यूचर में, सो वी विल ट्राई टू मेक इट वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल फॉर द ऑडियंस, सो दैट दे अंडरस्टैंड द सिनेमा वेल एंड उसको क्लीन रखें जितना हो सकता है। हाँ, और सभी फैमिली के साथ बैठ के देख पाए, दैट्स आवर मेन। ऑब्जेक्टिव या या सो डू यू गाइस थिंक कि ये जिस तरह का ये कंटेंट होता है, मैं कह सकती हूँ बोल्ड कंटेंट, जो कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी, क्योंकि सेंसरशिप वहां पर थोड़ा अलग होता है, तो वहां पर भी अलग वे में जो स्टोरीज है वो दिखाई जाती है। सो डू यू थिंक ये एक जरिया बन चुका है केटर करने का अपने ऑडियंस को?
ओटीटी के आने से क्या हुआ है, एक तो सब लोग अपने फोन पे देख लेते हैं, एंड ऑडियंस एवरीबडी हैज डिफरेंट, बच्चे भी अपने रूम में बैठ के देखते हैं, पेरेंट्स रूम में बैठ के देखते हैं, लेकिन पहले ओटीटी बहुत लिमिटेड था, अर्बन लोगों के लिए था, अब ओटीटी इंटीरियर्स तक पहुंच गया है, अब लोगों ने सैटेलाइट टीवी देखना बंद कर दिया, दे आर मेनली वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड ऑल इन इवन इन द इंटीरियर ऑफ विलेजेस, तो वहां पे अभी भी लोगों के पास एक ही टीवी सेट होता है, एक ही फैमिली साथ बैठ के देखती है, तो हम चाहते हैं कि ओटीटी पे हम ऐसा कंटेंट डालें जो फैमिली साथ बैठ के देख सके उसको, ऐसे नहीं कोई सीन्स आ जाए एकदम से ही कि सबको एम्बेरसमेंट हो जाए, दैट्स व्हाई आवर पर्पस इज टू मेक क्लीन सिनेमा अबाउट एंड ब्यूटीफुल स्टोरीज सो दैट एवरीबडी कैन वॉच इट टुगेदर, फील इट. बिकॉज आई फील लाइक यू नो वेन यू टॉक अबाउट वल्गैरिटी, वल्गैरिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं. लाइक यू नो सम वल्गैरिटी इज लाइक यू नो यू स्टार्ट शोइंग इन टू अग्रेसिव वे. यू नो सम लाइक यू नो देर इज अ सीन लाइक अ सिडक्शन और समथिंग हैपनिंग, यू नो इवन दैट यू कैन शो इन अ वेरी नाइस वे. यू डोंट हैव टू बी सो अग्रेसिव. तो मैं वही सोचता हूँ कि दैट इज माई आई मीन द डेफिनेशन ऑफ वल्गैरिटी. आई डोंट वॉन्ट टू यू नो शो इन अ वेरी ऑब्सीन मैनर. आई कैन शो दैट पर्टिकुलर सीन इन अ गुड वे ऑल्सो, यू नो वेर इट विल बी यू नो पीपल कैन रिलेट टू एंड यू नो द होल फैमिली कैन वॉच टुगेदर एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट. ओके, जिस तरह का आप मेंशन कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा जो सीन्स की आप बात करते हैं, उधर एनी प्रोजेक्ट या फिर कोई फिल्म या कोई सीरीज जिसको आप पर्टिकुलरली ऐसे स्पेसिफाई करना चाहेंगे? नो, वी हैव नथिंग, वी हैव नो कॉम्पिटिशन, वी हैव वी डोंट वॉन्ट टू डिबेट और गिव कमेंट्स अबाउट एनीबडीज जी, वर्क, क्योंकि सब एवरीबडी अपना बहुत अच्छा काम एवरीबडी कर रहे हैज हैं. देयर ओन ऑडियंस, इट्स जस्ट आवर या कि हम हर तरह के, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किस तरह का सिनेमा बनाना चाहते हैं, तो हम हमने बताया कि हम हर तरह का ओपन है बनाने के लिए, एक्सेप्ट दिस थिंग. ओके, सो ऐसे सो प्रोडक्शन जिसकी अभी हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई है, क्योंकि वी नो शेल इज बीन अ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ वेरी रेनाउंड नेम, सो जब आपको इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी आप खुद के लिए क्रिएट करते हैं कि आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे सके, काम दे सके, तो आपने क्या इंटेंशन रखा है कि किस तरह के आर्टिस्ट को आप मौका देना चाहेंगे अपने प्रोडक्शन हाउस में? मैं तो शुरू से ही मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहा हूँ कि न्यू कमर्स के साथ. इवन मेरी जो वीडियोस आई थी उसमें भी मैंने बहुत सारी न्यू मॉडल्स को यू नो काम दिया एंड एंड काफी तो बहुत अच्छा कर रही हैं. दे हैव बिकम वेरी गुड फेसेस यू नो इन दे ओन ओन वे. एंड आई थिंक एसएसओ प्रोडक्शन इज ओपन जहाँ पर अच्छा टैलेंट, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है आजकल. यू नो इतना इतना अच्छा टैलेंट है एंड इतने अच्छे सिंगर्स हैं, इतनी न्यू वॉइसेस हैं, एक्टर्स हैं, एंड एवरीबडी you know they come to Tilson town, you know they come to Bombay, they want to explore you know their talent. So I told Samiksha that you know we should definitely be open you know for newcomers also. Names ठीक है, name एक बेचने तक ठीक होता है एक marketing point of view, but I think for OTT जो मैंने देखा कि OTT में नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे भी आज की जो audience है ना उनको चाहिए script. अगर आपकी script अच्छी है, अगर आपको वो 1.5 घंटे की पिक्चर में आधा घंटे जो शुरू के जो होते हैं उसमें अगर उसने बिठा दिया ना, देन द पर्सन विल कीप वॉचिंग द इंटायर सीरीज और यू नो द होल मूवी. सो आई थिंक आई एम वेरी ओपन टू न्यू फेसेस एंड आई वुड लव टू वर्क विद न्यू फेसेस. एक्चुअली इवन फॉर दिस मूवी हमारी जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है मूवी, इसमें भी जो मेन इसमें जो मेन लीड है दे आर न्यू फेसेस. एंड आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब. मतलब लगता ही नहीं कि कोई न्यू कमर्स ने काम किया है, और साथ में फिर वो नोन भी है थोड़े एज अ सपोर्टिंग, क्योंकि वो भी जरूरी होता है यू नो फॉर अ मूवी यू हैव टू हैव लिटिल नोन फेसेस. सो इट हेल्प्स यू नो फॉर द मूवी ऑल्सो एंड इवन फॉर द ऑडियंस इंटरेस्ट ऑल्सो व्हेन दे वॉचिंग इट. अगर हमारे कोई व्यूअर्स है हु आर इनटू यू नो जो ऑडिशन कर रहे हैं या फिर न्यू कमर्स है हु आर विलिंग टू वर्क, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? Well, they have, We have a yeah. production house in Mumbai. So if they Google SSO production, हमारा Instagram page है, they can DM us, they can call directly at our production house. So they can approach in various different ways. They can email us.
Lovely. Okay, one thing that I want to ask you, since we were talking about the Indian cinema, इस वक्त इंडियन सिनेमा में आपको काफी ज्यादा सेग्रीगेट किया जा रहा है, बी इट रीजनल या फिर बॉलीवुड को लेकर. अभी जिस तरह से साउथ की फिल्म्स काफी अच्छा कर रही हैं पैन इंडिया, देयर इज अ सेग्रीगेशन अगेन कि बॉलीवुड उस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ऐसे आई मीन लाइक वी टोल्ड यू, हर एक की अपनी ऑडियंस होती है. इफ ऑडियंस इज लाइकिंग दैट मासी फिल्म्स, तो देयर इज अ फेज. आई मीन कभी क्या चीज चलती है तो लोग वही बनाने लग जाते हैं, फिर एक चीज चल जाती है तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं. तो आई मीन वो ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में फेजेस आते रहते हैं. एक्चुअली वो ना म्यूजिक में भी ऐसे ही होता है. मुझे याद है जब मैंने भी अपने गाने जब मैं बना रहा होता हूँ तो यू डोंट नो व्हाट क्लिक्स, क्योंकि यू नो वी मेक व्हेन वी क्रिएट समथिंग, जैसे अगर हम मूवी बनाते हैं, हम कोई भी चीज बनाते हैं, तो एज प्रोड्यूसर्स यू नो वी हैव टू आल्सो ऑब्वियसली लाइक द स्क्रिप्ट एंड कीपिंग इन माइंड द ऑडियंस आल्सो. लेकिन एज शी राइटली सेड, कनेक्शन होना भी बहुत जरूरी है. कुछ पता नहीं है कि जो चल रहा है उसके पीछे लग जाएंगे, और ना कुछ ये एंटरटेनमेंट में कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल जाए. यू नो कभी कभी जो चीजें मुझे पसंद नहीं है वो हिट हो चुकी है. यू नो जो चीजें मतलब लोगों को, लेकिन द टाइम ऑफ रीमिक्सेस शायद सोनी हीरे सॉन्ग के, व्हिच वाज वेरी ओरिजिनल आइडिया एंड कांसेप्ट एंड वेरी मेलोडियस, उस टाइम लोगों को सब कांटा लगा और ये सब गाने पसंद आ रहे थे. बट देन यू नेवर नो व्हाट स्ट्राइक्स. या इट्स वेरी डिफिकल्ट. Okay, since we have, you know, अभी इतने सारे remixes भी बन रहे हैं, so shall we expect कि Sonia Hegde का 2.0 भी आ सकता है? मेरा actually बहुत मन है कि मैं हीरे का एक एक बहुत ही प्यारा सा एक unplugged kind of feel, a reprise version मैं plan करूं. लेकिन अभी सोचा है, क्योंकि ना वो गाना already इतना अच्छा बन चुका था, तो I don't want it to, I can't, you know, replace that melody obviously, but काफी मेरे जो है मतलब जिन्होंने पसंद किया गाना, तो वो काफी मेरे लिखते भी रहते हैं, काफी सुना है मैंने लोगों से कि भाई आप थोड़ा इसको हीरे को ही आप यू नो एक रिप्राइज करो, एक न्यू वर्जन हीरे टू लेकर आओ. तो मैं सोचता हूँ हीरे टू तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मे बी आई कैन क्रिएट अनप्लग्ड वर्जन. थोड़ी मेलेडी वैसी रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट आज का जो मे बी विद द पियानो, यू नो विद समथिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन प्लान, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कभी मैंने सोचा नहीं एक्चुअली. यस, डू यू थिंक कि ये जो एक रीमिक्सेस आते हैं, जो भी आप रीमेक आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी का जो असली एसेंस है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं भी ये सोचता था, लेकिन ऑडियंस आर लविंग इट. मैं अभी देखता हूँ कि इवन जो गाने कुछ मैंने सुने पीछे, जो पुराने पाकिस्तानी गाने हैं उनको हमने इंडियन कंपनीज राइट्स लेके उसको रिक्रिएट कराया, आर्टिस्ट ने गाया, एंड द पीपल आर लविंग इट. मतलब उसमें बिकॉज यू नो एक्चुअली क्या होता है कि मेलेडीज जो अच्छी होती है मेलेडीज, उनको अगर आप अच्छे वे में रिक्रिएट करो तो वो लोगों तक पहुंचती है, फिर से पहुंचती है वो. हाँ ये है कि रीमिक्स एक अच्छे गाने को जो ऑलरेडी बन चुका है, यू नो उसको रीमिक्स करने में उसमें क्या एलिमेंट्स डाल रहे हैं तो वो भी मैटर करता है बहुत, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे गाने खराब भी हो गए थे उस चीज की वजह से. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक प्रोडक्शन. जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जिनको नॉलेज है, जो अच्छा यू नो सीख है जिनको म्यूजिक की, जो अच्छा प्लान कर सकते हैं, तो आई थिंक दे आर डूइंग फैबुलस. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब मैं तो हैरान था कि काफी पुराने गाने भी इतने उसको मतलब लोग लाइक कर रहे हैं फिर से. सो ऑलराइट, सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस और व्यूअर्स के लिए? वेल यही बोलना चाहेंगे जी कि दैट दे शुड कीप लविंग यू नो गुड कंटेंट, कीप लविंग गुड यू नो मूवीज एंड म्यूजिक. एंड कोशिश रहेगी, वी ऑब्वियसली दिस पार्ट ऑफ एसोसिएशन प्रोडक्शन, सो वी आर नाउ जस्ट लॉन्च वेरी न्यू एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट बेस्ट सिनेमा फॉर ईच वन ऑफ यू, जो आप सब साथ में बैठ के देखें, इंजॉय करें, जिसमें हॉरर भी होगा, थ्रिलर भी होगा, ड्रामा भी होगा, रोमांस भी होगा, बट रोमांस no vulgarity, simple nice romance. Thank you so much for joining with us on First India Film Me. It was having Thank a lovely conversation. Yeah. Take care. Bye bye. Thank you. Bye bye.